का न्यूज स्टेट पर मैं आपके साथ अस्मिता दुबे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मध्य प्रदेश में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, लोगों की जेब पर इससे काफी असर पड़ रहा है। रुपए आपको बताते चले कि भोपाल में 150 रुपए किलो टमाटर का रेट पहुंच गया है, तो वहीं भोपाल में गोभी के दामों ने भी शतक लगाया है। जबलपुर में भी 100 रुपए किलो के पार पहुंचा है टमाटर, तो वहीं बाहर से सप्लाई होने के चलते ये दाम बढ़े हैं। और साथ ही साथ लौकी 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है, करेला भी 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 200, लहसुन 120 रुपए किलो बिक रहा है, मिर्ची भी 200, धनिया 120 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, लोगों की हो रही है खस्ता हाल। बताते चले कि महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। भोपाल में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो इसको लेकर हमारी संवाददाता नीलम गुर्वे ने सब्जी बेचने वाले और सब्जी खरीदने वाले दोनों ही लोगों से बातचीत की है। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की राय क्या है, सुनिए आप भी। राजधानी भोपाल में इस समय सब्जियों के दाम आसमान के पार हो गए हैं। टमाटर 160 से लेकर 150 रुपए किलो, तो वहीं दूसरी जो भी सब्जियां हैं उनके दामों में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। हम यहां पर कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे कि उनके लिए सब्जी खरीदना कितना ज्यादा मुश्किल अब धीरे धीरे होता जा रहा है। भैया सब्जियां बहुत महंगी है, कितना बजट बिगड़ रहा है इससे? बजट तो बहुत बिगड़ रहा है, सब्जी टमाटर का भाव 140-150 हो रहा, तो आदमी एक ही सब्जी लेगा तो खाएगा क्या? कई प्रकार की आदमी सब्जियां लेता है 150 में, तो 500 सब्जियां आ जाएंगी। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि 150 में पहले 5 ले लेते थे, अब एक आना मुश्किल हो रहा है। हम माइनस करते हैं, पहले आधा किलो एक किलो लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लेके जाते हैं। हम कुछ और ग्राहकों से भी बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कितना मुश्किल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार सारी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैडम, मुश्किल तो कुछ नहीं हो रहा है सर, टाइम महंगा तो महंगी तो होती है चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी, पर बहुत ज्यादा है क्योंकि टमाटर जैसी चीज अब 160 तक मिल रही है। अब सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है टमाटर महंगे होने से? देखिए, तो देखिए मिला जुला कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है। कुछ लोग जो अपने बजट को मैनेज करके चलते हैं उनके लिए दिक्कतें नहीं है, पर आम आदमी के लिए जरूर ये दिक्कत भरा है। भैया, आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं इस वक्त? मुश्किल तो है, अब पता नहीं अब सरकार क्या कर रही है, किसान भाई बहन अपने जो भी हैं वो उनका जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उनका प्रॉफिट है वो उनको मिलना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने प्राइस हाई कर दी है, पर ये पब्लिक के लिए थोड़ा मुश्किल समय है कि मतलब थोड़ा स्वाद खाने का कम हो जाता है टमाटर की वजह से, जैसे अभी चल रहा है, पर देखते हैं कितने दिन ये कंटिन्यू रहता है और कब जनता को सुकून मिलता है, आगे जाके देखने वाली बात है। बिल्कुल, व्यापारियों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है इस वक्त जो इतने ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़े। भैया, सबसे पहले तो ये बताइए इस वक्त जो है कौन कौन सी सब्जियां किन किन दामों में मिल रही है? सभी आइटम महंगा, सस्ता क्या, सिर्फ एक आलू को छोड़ के टमाटर 150 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो है, सभी आइटम के रेट बढ़ गए ऐसे ही। धनिया अदरक जैसी चीजों के दाम, धनिया जैसा 300 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो अदरक, 200 रुपए किलो मिर्ची, सभी आइटम के रेट बढ़ गए इस टाइम पर। कारण जो है कि भोपाल के अंदर सब्जी नहीं हो रही, लोकल सब्जी बाहर से सब्जी आ रही है इस टाइम पर, जैसे इंदौर हुआ अपना, ऐसी जगहों से सब्जी आ रही है, इधर नहीं है भोपाल में अभी इस टाइम पे सब्जी। कब तक आप लोग को लग रहा है कि ऐसे ही दाम बने रहेंगे, कोई राहत आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद? अब राहत का तो अपन बता नहीं सकते, ये तो अब कल का, ये आज का भरोसा नहीं है, आज सस्ता हो जाए या एक महीना भी लग सकता है। जी बिल्कुल, तो बड़ी वजह यही है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और मई जून में जब बारिश हुई थी तो उसकी वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। और क्योंकि भोपाल में ज्यादातर सब्जियां बाहर से आती है, टमाटर की हम बात करें तो टमाटर जो है साउथ इंडिया की तरफ से आते हैं, बाकी दूसरी सब्जियां भी भोपाल में आसपास के जो गाँव है या जो दूसरे शहर है वहां से आते हैं, और इसीलिए जो है इस वक्त सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। टमाटर कई जगह 150 से लेकर 160 रुपए किलो मिल रहा है, गोभी जैसी सब्जी या टमाटर, धनिया मिर्ची की हम बात करें तो उनके रेट भी काफी ज्यादा हाई है, और लोगों को इस वक्त जो है
खरीदने में अपना बजट मैनेज करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि पूरे ही मौसम में इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब बारिश और बढ़ेगी तो रास्ते ब्लॉक हो जाएगी और हर बार कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है। सब्जी की सप्लाई को लेकर खास तौर पे हम कुछ और व्यापारियों से भी बात करेंगे। भैया, सब्जियों के रेट क्या है इस वक्त? भैया, सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं आपके यहाँ पे? वही टमाटर ही है थोड़ा सा बस। तो जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी खरीदारी में कितना फर्क पड़ा है, जैसे वो पहले लेते थे और अब की अगर हम तुलना करें तो? हाँ, थोड़ा कम ले रहा है आदमी हिसाब से, कम ले। तो ये जो रेट बढ़े हैं उसका आप लोगों के व्यापार पे कितना असर है? अरे बहुत असर है, सब्जी बहुत महंगी है, क्या करें, सही से आई नहीं रही, अच्छी सब्जी अच्छी भी नहीं आती, सर्दियों में आती है सब्जी। तो ना केवल आम आदमी बल्कि जो व्यापारी है उनको भी काफी नुकसान और घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से सब्जी आने का जो सप्लाई है वो चेन में कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है और आने वाले करीब कुछ दिनों तक इसी तरीके का जो रेट है, इस तरह के बढ़े हुए सब्जियों के जो दाम है वो मिलने की भी आशंका जताई जा रही है। यानी कि आम आदमियों को थोड़ी सी राहत की भी उम्मीद फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सनवर के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जेब पर इससे बुरा असर पड़ रहा है, लोगों की हालत खस्ताहाल होती जा रही है। जबलपुर की आपके तस्वीरें दिखाई है जहां पर हमारी सहयोगी ने बातचीत की, जाना किस तरह से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और साथ ही साथ कीमतें बढ़ने के चलते काफी परेशानियां हो रही है, तो यही हाल रायपुर में भी है। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, बातचीत हुई है। किचन का बजट एकदम से बढ़ने लगता है, लेकिन वर्तमान में सब्जियों के दामों ने आसमान छू रखे हैं और खासकर जो सबसे आम सब्जी है यानी टमाटर, टमाटर के भाव कुछ ज्यादा ही लाल है। थोक मार्केट में 100 से ज्यादा टमाटर के भाव हैं और फुटकर मार्केट की अगर बात करें तो फुटकर मार्केट में हम जानने पहुंचे हैं कि इस समय फुटकर मार्केट में सब्जियों के क्या दाम है। देख सकते हैं कि फुटकर ये मार्केट है और यहाँ पर सभी प्रकार की सब्जी सजी हुई है और सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला जो आइटम है वो है टमाटर। टमाटर की क्या स्थिति है, आलू, प्याज, गोभी और बाकी की सब्जियों की क्या स्थिति है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो आम सब्जी है आलू और प्याज जो हर किचन की जरूरत है उसके क्या रेट है। अभी आलू और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? दोनों 25 रुपए चल रहे हैं भैया। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी क्या आलू और तो नहीं, बाकी प्याज का भाव बढ़ने वाला है, बोरे में ही अच्छा प्याज देख करके 20 रुपए तक दिखा रहे हैं जो थोक में। थोक में अच्छा, क्या लग रहा है अभी बरसात के कारण प्याज के दाम में कितनी तक कितना उछाल आ सकता है? ज्यादा नहीं आएगा, 30 और 35, ज्यादा 35 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये मुख्य सब्जी है आलू और प्याज जो है वो अभी 25 से 30 रुपए किलो चल रहा है और अभी प्याज में बढ़ोतरी के अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। और बाकी सब्जियों की अगर हम बात करें तो जो फुटकर सब्जी विक्रेता है उनसे समझने की कोशिश करेंगे अभी क्या रेट चल रहा है टमाटर का, और टमाटर ही सबसे ज्यादा पहुंचा कि बाकी सब्जियों के भी दाम बढ़े? बाकी सब्जी का भी दाम बढ़ा हुआ है भैया। टमाटर के क्या दाम? टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है। बाकी सब्जी? बाकी सब्जी 60 रुपए के पारी है। सारी सब्जियां? सारी सब्जी। लौकी? लौकी 60, गोभी 100 और मिर्ची? हरी मिर्ची 40 रुपए पाव। धनिया 60 रुपए पाव। तोरई 80 रुपए किलो। नींबू का रेट क्या चल रहा है? नींबू का रेट कम है अभी, नींबू उतना महंगा नहीं। अदरक मिर्च रेट बढ़ने का कारण क्या मान रहा है? बारिश? नहीं, अपने को नहीं पता है, उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, तो रेट बढ़ने का कारण जो है वो नहीं पता है। आप लोग कैसे देखते हैं अचानक से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों को रोज आवश्यकता पड़ती है? क्या करेंगे सर, लेना तो पड़ता ही है ना, क्वांटिटी थोड़ा कम भलाई करें, लेकिन टमाटर तो हर सब्जी में लगता है। जहाँ पहले 20 किलो यूज करते थे उसको 10 किलो यूज कर रहे हैं, इस टाइप से हर सब्जी में करना पड़ रहा है क्योंकि सभी सब्जी महंगी है। अब गोभी 100 रुपए किलो है, कोई सब्जी 60 रुपए के नीचे नहीं है, और हरी सब्जी तो आदमी के लिए बहुत आवश्यकता बन रही है, उसको लेना ही पड़ता है कैसे भी करें। तो
ये जो है सब्जियों के दाम जो है अचानक से बढ़े हैं, बारिश होने के कारण टमाटर के दामों में उछाल आता है, लेकिन इस बार टमाटर के दाम जो है फुटकर मार्केट में रायपुर या छत्तीसगढ़ के अन्य बाजारों की बात करें तो 120 रुपए किलो से ज्यादा पहुंच गया है, और बाकी सब्जियां जो है वो भी 60 रुपए से कम नहीं है। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उधर जबलपुर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर तो 100 रुपए किलो के पार जा चुका है। दूसरी भी कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके रेट आसमान छू रहे हैं। तो वहीं सब्जी बेचने वाले और सब्जी खरीदने के लिए बाजार आने वाले दोनों ही लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। अचानक जो तेजी से मानसून आया, और मानसून भी ऐसा वैसा नहीं था, तितर बितर करने वाला था लगभग, उससे सभी सब्जियों में नुकसान हो रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि बेंगलोर से आ रहा है और बेंगलोर में भी 100 रुपए किलो बिक रहा है, और उसका भाड़ा जो है लगभग 1 लाख रुपए करीब करीब पड़ रहा है। टमाटर है, धनिया है, ककड़ी है, और सब चीजें में भाव बढ़े हैं। अब ये कब तक बनी रहेगी स्थिति, हम लोग के बजट के ऊपर भी है कि हम लोग का बजट भी थोड़ा डाउन हो जाता है। वर्तमान में तो अभी ये स्थिति है कि सब्जियों के सारे रेट बढ़े हुए हैं, और अगर मौसम अगर साफ रहता है कम से कम 15 से 20 दिन तो ही सब्जियों के रेट घटेंगे, अन्यथा सब्जियों के रेट तो अभी घटने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत महंगी है सब्जियां खरीदने में तो हालत खराब हो रही है। ऐसी सब्जियां की क्या होना, 100 रुपए किलो करेला बिक रहा है, और भाटा है, ये सब बहुत महंगा चल रहा है।